उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में थाना सिंभावली पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के बाद एक 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर इसके दो साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। बीते 22 नवंबर को दिनदहाड़े सिंभावली थाने से चंद कदमों की दूरी पर एक चीनी व्यापारी के यहां कुछ शातिर बदमाशों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। लेकिन आज पुलिस को सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध लोग किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। तभी एसओजी और सिंभावली पुलिस ने बड्डा नहर की पटरी पर एक अपाचे बाइक को रुकने का इशारा किया तो बदमाश बाइक लेकर भागने लगे और पुलिस पर फायर कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए एक गोली 25,000 की इनामी सोनू के पैर में मारी। बाइक फिसल कर गिर गई, जिसमें दोनों बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने जब घायल बदमाश से पूछताछ की तो उसने अपने फरार दो साथियों के नाम प्रिंस और ललित बताया, जिनकी तलाश में पुलिस हर्ष अभियान चला रही है। थाना सिंभावली क्षेत्र में आज एक इनपुट प्राप्त हुआ था कि कुछ बदमाशों का मूवमेंट है। इस सूचना पर एसओजी टीम और सिंभावली पुलिस को लगाया गया था। आज एसओजी टीम और पुलिस सिंभावली पुलिस इस पर काम कर रही थी, उसी दौरान 3 अज्ञात बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ, तत्काल उसे उपचार के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। 2 बदमाश भाग गए हैं, जिनकी तलाश के लिए कामबिंग की जा रही है। घायल बदमाश ने पूछताछ पर बताया कि उसका नाम सोनू है। सोनू जो 22 तारीख को सिंभावली में घटना डकैती की हुई थी, उसका ये मुख्य अभियुक्त था। इस पर 25,000 का इनाम था। उसके पास से नाजायज असलाह और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा एक बैग बरामद किया गया है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वही घायल बदमाश से पुलिस ने एक तमंचा और एक अपाचे बाइक भी बरामद की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसके फरार साथी कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं और कब पुलिस उन्हें उनकी सही जगह यानी सलाखों के पीछे पहुंचाने में कामयाब होती है। हापुड़ से तुषार शर्मा, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।